कोई भी फ्रेशर है या स्टूडेंट है, प्रैक्टिकल नॉलेज सीखना चाहता है तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि साइट पे जाके आपको यही सब काम करवाना है। वो मैं आपको थियोरटिकल भी बता दूंगा, साइट पे बता दूंगा ले जाके, स्टील का भी बताने वाला हूँ, बीम का, स्टील का चेकिंग भी बेसिक थोड़ा बताऊंगा, और फॉर्मूले बताने वाला हूँ जो आपको साइट पे काम आएंगे, जो आपको इंटरव्यू में काम आएंगे, जो आपको बार बेंडिंग स्केड्यूल करने में काम आएंगे, जब लैपिंग देनी है, जब बीम कॉलम का सरिया देना है, सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये वीडियो देख लो, आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। बात आती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सुनना इसको अच्छे से। ओवरलैपिंग में क्या होता है, ओवरलैपिंग हमारी जब 12 मीटर के लेंथ का सरिया खत्म हो जाता है, फिर हमें सरिया के कंटिन्यूस रखने हैं 12 मीटर के बाद, तो वहां हम लैप करते हैं, मतलब जोड़ते हैं। जहां हमें 5 मीटर का सरिया दिया है फिर उसको एक्सटेंड करना है, उधर भी लैप करते हैं। तो वो फार्मूला होता है 50D हम मोस्टली लेते हैं, बाकी आपको आर्किटेक्ट गाइड करेगा, कहीं 45D भी रहता है, 60D भी रहता है, प्लस 10DB भी रहता है, काफ़ी चीज़ें होती है, लेकिन 50D प्लस 10DB कर लीजिए, ये फार्मूला होता है। 50D क्या हो गया, 8mm का बार है, उसका लैप करना है, 50 इंटू डाया वा बार वो हो गया 400mm, 10 dB लिए था, 10 इंटू dB क्या हो गया, डाया बार 80, तो ये हो गया हमारा 480mm हमें लैप डालना है अगर 8mm का सही होगा। ऐसे ही 10 का होगा 10 से करना है, 12 का होगा 12 का करना है, यहाँ क्लियर हो गया। फिर होता है अल्टरनेट लैपिंग होती है, देखो कभी भी आपको लैप एक जगह नहीं देना होता, ये हमारे सरिये हैं, एक जगह लैप दोगे तो फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें क्या करना होता है, एक का लैप यहाँ दे रहे हैं, दूसरे का लैप यहाँ आएगा, तीसरे का लैप यहाँ आएगा, तो ऐसे करना होता है। और अल्टरनेट लैपिंग क्या होती है, यहाँ से लेके इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक जो लैप होगा, इधर हमने लैप किया था ना, इसके सेंटर से सेंटर वो होना चाहिए 1.5 × 50D, मतलब 8mm का सरी है, अगर 1.5 से 400 को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के बीच का डिस्टेंस इतना होना चाहिए, वो अल्टरनेट लैपिंग होगी। फिर आपने देखा होगा जो हमारी फुटिंग रहती है, नीचे एल प्रोवाइड किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एल हमें प्रोवाइड करना होता है। तो एल जो प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ तो आपको 16D आपका एल होना चाहिए, ये वाला एल जो सरिया है ये हमारा, ये एल 16D होना चाहिए या 300mm मिनिमम, 16D या 300mm, या आपको क्या करना है, जो फुटिंग आपकी उसका टॉप से लेके इधर 50D आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए। अगर ये फुटिंग आपकी 300mm की है तो 300 ये हो गया, बाकी 50D हमने किया, अगर 16mm का है तो बार था तो 800mm था ना, तो 300 यहां हो गया हमारी फुटिंग की डेप्थ, 300 है, 300 ये हो गया, और बाकी जो 500 बचा वो हमें एल रखना है। जब आप 16D रखो या 300mm रखो या 50D के हिसाब से प्रोवाइड करो, ये इसका फंडा, ये इसका फार्मूला होता है। क्या चीज आपको चेक करनी है जब स्टील बाइंडिंग हो रही है, ऐसे तो ड्राइंग के हिसाब से आपको सब देखने की क्या हो रहा है। देखो कई जगह क्या गलती की जाती है, ये जो हुक आप देख रहे हो, ये स्टीरअप देख रहे हो अभी, इसको हम रिंग बोलते हैं, स्टीरअप हुक, ठीक है। तो इसका जो हुक होता है वो एक अल्टरनेट आना चाहिए, मतलब हम इस बीम की एग्जाम्पल लें, यहाँ हुक इसका इधर आ रहा है, फिर हम इधर चलते हैं, इसका हुक इधर आ रहा है, इधर फिर इधर, मतलब ये हुक आपको अल्टरनेट करते जाना, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, फिर एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे ऐसे अल्टरनेट करते जाना। ये गलती में क्यों, मैं ये छोटी चीज़ है, जिन लोगों को पता है उनके लिए छोटी है कि कुछ नहीं है, लेकिन ये काफ़ी जगह मिस्टेक की जाती है, गलती की जाती है, और जब एक बार बीम बांध दिया जाता है तो फिर उसको सही करने का तरीका नहीं मिलता, काफ़ी बड़ी गलती हम इसको बोल सकते हैं। अगर हम बात करें 6 लेग स्टीरअप की या 2 लेग से बड़ा कोई स्टीरअप हो तो उसमें भी आपको ऐसे ही करना है, जैसे हम आप यहाँ देख रहे हो 6 लेग स्टीरअप है, ये देख रहे हो 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 लेग स्टीरअप है, तो इसका भी हुक जो आएगा, एक यहाँ आ गया तो फिर यहाँ हमारा एक नहीं है, इसकी बेंड आ गया, फिर हमारा हुक ऐसे घूमता जाएगा। देखो अगर मैं अभी दिखाऊं आपको, यहाँ एक हुक यहाँ है, फिर यहाँ पे है, फिर हमारा वहां पे है, अभी नेक्स्ट पे हम बढ़ेंगे, जैसे एक यहां था ना, यहां नहीं है, फिर यहां नहीं था, यहां आ गया, मतलब ऐसे ऐसे अल्टरनेट करते आपको हुक प्रोवाइड करते जाने, एक जगह पे कभी भी हुक प्रोवाइड नहीं करना है। ये पहली टिप हो गई। दूसरी है ये जो आप डेवलपमेंट लेंथ देख रहे हो, अगर हम बैठ के आराम से देखें, ये हमारा जो डेवलपमेंट लेंथ है, ये डेवलपमेंट लेंथ इसे हम बोलते हैं, ये हम किस हिसाब से प्रोवाइड करते हैं, 50D प्लस 10DB के हिसाब से प्रोवाइड करते हैं, 50 इंटू जो भी डाया होगा, 50 इंटू डाया प्लस 10 इंटू जो भी डाया होगा, तो उसके हिसाब से इसकी लेंथ निकाली जाती है पूरी। तो ऐसे हम बीम की डेप्थ के हिसाब से निकालते हैं। तो जब भी ये कटिंग करवाओ, जब भी आप कटिंग लेंथ दो, तो आपको देखो हर स्टील जो आता है साइड पे, लॉन्गेशन उसकी अलग अलग होती है, तो आपको जब भी स्टील कटिंग देना है थोड़ा सेफ्टी फैक्टर लेके चलना है, मतलब 40 से 50mm छोटा ही देना है, और जब वो आएगा, अगर बड़ा रह गया, जब ये बीम डाउन होंगे तो ये सरिया आप सामने देख रहे हो, ये बीम के ऊपर निकल आएगा, और स्लैब की कास्टिंग के दौरान यहाँ कवर
नहीं हो पाएगा और पॉसिबल नहीं होता है कि कवर प्रोवाइड इसको हो पाए। तो इसलिए आपको हमेशा डेवलपमेंट जो लेंथ जो सरिया कटिंग के लिए देने हैं, बार बेंडिंग शेड्यूल में आपको ये सेफ्टी फैक्टर लेके चलना ही चलना है। अभी एक और चीज़ है, इसमें बेसिक नॉलेज ही जोड़ूंगा। जैसे ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, आपके जो कैंटिलीवर बीम होते हैं, अगर हम सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करें तो हमारा कंप्रेशन जोन ऊपर है, टेंशन जोन नीचे है। तो हमेशा जो हुक रहती है, स्टिरअप का क्या काम है, एक तो शरीर को जगह पे प्लेस करके पकड़ के रखता है, दूसरा शेयर को काउंटर करता है। तो ये जो हुक होगी ये हमेशा आपको कहाँ प्रोवाइड करनी है, कंप्रेशन जोन में प्रोवाइड करनी है। ये क्यों मैं बता रहा हूँ, अगर हम बात करें कैंटिलीवर बीम की तो उसमें सब उल्टा होता है, उसमें हमारा टेंशन जोन ऊपर आ जाता है और कंप्रेशन जोन नीचे चला जाता है। तो आपको एज ए साइट इंजीनियर जब कैंटिलीवर बीम आएगा तो उसमें हुक कहाँ प्रोवाइड करनी है, उसमें आपको हुक प्रोवाइड करनी है उसके बॉटम में। क्या जैसे हमारे यहां देख रहे हो, ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है, सब सिंपली सपोर्टेड बीम दिख रहे हैं आपको, तो इसमें हमारी हुक कहां आपको दिख रही होगी, ऊपर में, ठीक है। और लेकिन जब हमारा कैंटिलीवर बीम आएगा उसकी हुक कहां चल जाएगी, नीचे में, क्योंकि हमारा टेंशन जोन उसमें चेंज हो जाता है। तो ये तीन टिप थी, काफी इंपॉर्टेंट आपको आई होप होंगी, क्योंकि जिन साइट इंजीनियर्स को नहीं पता है तो उनके लिए काफी चीजें इंपॉर्टेंट है। और आपको जो पिन प्रोवाइड करनी है, ये भी अगर मैं टिप बताऊं, आपको पिन हमेशा कैसी प्रोवाइड करनी है, पिन आपको जो मैक्सिमम डाया का बीम में सरिया यूज हो रहा है, जहां जो आपका एग्रीगेट यूज हो रहा है, अगर 20 mm का एग्रीगेट यूज हो रहा है तो 30 mm का आपका पिन का डाया होना चाहिए, अगर 40 mm का तो उससे बड़ा डाया हमेशा आपको पिन यूज करना है। और पिन क्या है, देखो दो सरिये को हम दूर करने के लिए, मतलब ये आ गया हमारा मेन बार, नीचे आ गया हमारा टॉप एक्स्ट्रा, तो टॉप एक्स्ट्रा और मेन बार एक अगर यहाँ हम प्लेस कर देते हैं इसके बीच बीच में, तो इसमें गैप कम हो जाएगा, जब हम कंक्रीट करेंगे तो कंक्रीट अच्छे से घुस नहीं पाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको लेयर में प्रोवाइड करते हैं और हम यहाँ पिन प्रोवाइड कर देते हैं कि दोनों सरिये एक दूसरे से दूर रहें। और अगर चेकिंग की अगर मैं इसी में बात करूं तो आपको ड्राइंग के हिसाब से देख लेना है टॉप बार मेन बार और इनकी प्रॉपर स्पेसिंग है कि नहीं, ये चीज भी आपको चेक कर लेनी है। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या है, कंक्रीट का जो कवर होता है, दो चीजें होती हैं इसमें, एक होता है हमारा इफेक्टिव कवर, एक होता है क्लियर कवर। सिंपल समझना, जो इफेक्टिव कवर होता है वो हमारा ये बीम है कोई, ठीक है, उसका जो सरिया सेंटर वाला, सरिये के सेंटर से लेके बाहर का जो कंक्रीट फेस है हमारा, ठीक है, कंक्रीट फेस, तो यहां से लेके यहां तक सरिये से सेंटर से लेके ये होता है इफेक्टिव कवर, और जो जो सरिये के बाहर का फेस, उधर से लेके बाहर कंक्रीट का फेस, वो होता है हमारा क्लियर कवर। और ये क्यों बता रहा हूं, ये मेंशन होता है कभी कभार ड्राइंग पे लिखा होता है कि आपको इफेक्टिव कवर इतना है, आपका क्लियर कवर इतना है, तो आपको उस हिसाब से प्रोवाइड करना होता है। तो जो फुटिंग हमारी रहती है, फुटिंग हमें मोस्टली 75 mm कवर प्रोवाइड करते हैं, जो हमारा क्लियर कवर होता है, ठीक है, सॉइल फेस पे। कॉलम में हम 40 से 50 mm प्रोवाइड करते हैं, बीम में 40 से 50 रहते हैं, स्लैब में 20 से 25 mm, स्टेयर केस में 15 से 20 mm। और अगर हम बात करें क्लियर कवर हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, एक तो कवर रिइंफोर्समेंट को पोजीशन में रखते हैं, दूसरा वो जो मॉइस्चर बाहर रहता है, मतलब कंक्रीट जो सरिया है हमारा वो मॉइस्चर को टच नहीं होना चाहिए, जैसे उसको मॉइस्चर लगा वो डिट्रॉयड हो जाएगा, खराब होने लग पड़ता है। फिर स्पेसिंग बात आती है, स्पेसिंग क्या होती है, देखो जो स्टीरअप होती है हमारी, बीम है कोई, ठीक है, इसमें हम स्टीरियो प्रोवाइड करते हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम स्पेसिंग बोलते हैं। ये जो आर्किटेक्ट होता है उसने मेंशन किया होता है कि आपको 100 mm स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है, 150 mm प्रोवाइड करनी है, उसने ये भी कहा होता है कि आपको जो सपोर्ट्स हैं, सपोर्ट से 1 meter तक आपको 100 mm स्पेसिंग देनी है, बीच में 150 mm देनी है और यहाँ पे 100 mm देनी है। ये पूरा मेंशन होता है, क्यों होता है कि सपोर्ट्स पे फेलियर के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, शेयर फेलियर के, तो इसलिए हम प्रोवाइड करते हैं। नंबर ऑफ बार अगर हमें निकालना हो किसी चीज में कि कितने नंबर ऑफ बार है, उसका फॉर्मूला रहता है अपोजिट लेंथ डिवाइड बाय स्पेसिंग प्लस 1। कोई भी मतलब यहां की स्पेसिंग हमें निकालनी है, अपोजिट लेंथ 3 meter है, 3/150 उसने स्पेसिंग कही है, ठीक है, प्लस 1 कर देंगे तो हमें निकल आएगा नंबर ऑफ बार हमें कितने चाहिए वो होता है। नंबर ऑफ स्टीरअप्स हमें निकालनी हो, अगर ये स्टीरअप्स है तो ये हमारा 4 meter लंबा बीम था, ठीक है, 150 की स्पेसिंग प्रोवाइड कर रहे थे, तो क्या करना है, 4 meter इसको एमएम में कन्वर्ट कर लेते हैं, 4 meter डिवाइड बाय 150 की स्पेसिंग थी, प्लस 1 कर दिया, तो हमारा आ गया कितनी हमें नंबर ऑफ स्टीरअप उसमें यूज करने होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बेंड डिडक्शन हो गया, ठीक है। बेंड डिडक्शन क्या हो गया, जब हम रिंग बनाते हैं, ये आगे आप समझोगे, रूल्स बता रहा हूं, जब हम उसका बार बेंडिंग शेड्यूल करेंगे स्टीरअप्स का तो वहां आप समझोगे। बेंड डिडक्शन हो गया, 45 degree का अगर बेंड रहता है, मतलब आपका 45 degree का बेंड है, कोई भी स्टीरअप है उसमें 1D डिडक्ट होता है। क्यों, क्योंकि देखो जो हमारा सरिया होता है जब उसको बेंड किया जाता है तो उसकी इलोंगेशन होती है, वो लंबा होता है, कोई भी चीज़ है उसको हम बेंड करेंगे
तो वो थोड़ी लंबी होती है, तो उस चीज को हमें माइनस करना पड़ता है कटिंग लेंथ में, तो वो होता है 90 डिग्री का 2D। ये बस नोट करके रखो, आगे जब हम करेंगे तो उसमें समझोगे। 90 डिग्री का 2D, 135 डिग्री का 3D होता है। फिर आगे दिक्कत आती है क्रैंक बार में बच्चों को। क्रैंक बार की जो कटिंग लेंथ है वो कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला होता है क्लियर स्पैन। जो भी हमारा स्पैन है, कोई ये है हमारा स्पैन, ठीक है, ऐसे इसी को ले लो, ये क्लियर स्पैन है हमारा। यहाँ बीम है, यहाँ बीम है, ये क्लियर बीम के अंदर का एरिया हमारा क्या होता है, क्लियर स्पैन। ऊपर समझे ना आपने, इफेक्टिव स्पैन और क्लियर स्पैन या इफेक्टिव कवर ओवर, वो तो ये हो गया क्लियर स्पैन प्लस क्रैंक लेंथ। क्रैंक लेंथ क्या हो गई ये मैं आपको आगे बताता हूँ, प्लस डेवलपमेंट लेंथ और 1D इंटू नंबर ऑफ एंड माइनस 2D इंटू नंबर ऑफ एंड। अभी यहां आ जाओ, ये डायरेक्ट ये फार्मूले को मैंने कन्वर्ट कर लिया। क्लियर स्पैन, क्रैंक लेंथ क्या होती है, क्रैंक लेंथ हो गई, ये दो क्रैंक थे हमारे 2, और इसको हम लेते हैं 0.42D। ये आगे आप समझोगे जब क्या होता है, अगर 45 डिग्री का बैंड है तो आपको 0.42D लेना, मैं आगे बताता हूँ। अगर 30 डिग्री का 0.72D, 60 डिग्री का 0.58D, ये लेना होता है। तो इधर हमारा 45 डिग्री का बैंड है, तो 2 बैंड है इंटू 4.2D, 4.2 इंटू एच, एच क्या हो गया, एच ये आ गया। एच कैसे निकलता है आपका, डेप्थ ऑफ बार क्रैंक डिवाइड बाय स्लैब थिकनेस, जितनी भी स्लैब की थिकनेस होगी, माइनस आपका 2 इंटू क्लियर कवर माइनस डी, ये आपका फॉर्मूला था। इसको नोट कर लीजिए, और ये नोट कर लिया, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, हमारी एक प्ले लिस्ट में जाना है बार बेंडिंग शेड्यूल वाली में, वहां मैंने ये फार्मूला आ गया, वहां कैलकुलेशन करके दिखाई है, वो दिखा दो। क्योंकि अभी मैं कैलकुलेशन करने बैठा तो शाम हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी मैं टॉपिक आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं आपको, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, जैसे मैंने बताया जो बेंड होता है ये वाला, ये डिपेंड होता है इस पे, 45 डिग्री का है तो आपको 0.42D लेना था, 4.2 एच था वहां, डी लीजिए, एच लीजिए की बात है। 30 डिग्री का होगा आपको 0.27D लेना है, 60 डिग्री होगा 0.58D लेना है, और जो एक्स्ट्रा बार हम प्रोवाइड करते हैं एक्स्ट्रा लेंथ, उसका होता है L/4, ठीक है। देखो फिर से साइट पे चलते हैं, और यहाँ बहुत बड़ी गलती हुई है, ऐसे साइट इंजीनियर आपको ये गलती कभी नहीं करनी है। तो देखो इसमें हुआ क्या है कि जब नीचे ये स्लैब कास्ट हुई, उस दौरान जो मास्टर रिंग प्रोवाइड की जाती है, यहाँ जैसे ये प्रोवाइड की गई है, लेकिन प्रॉपर से मास्टर रिंग नहीं प्रोवाइड की, जहाँ जब कॉलम का डिस्टेंस सेंटर लाइन की गई, उस कॉलम से इस कॉलम का डिस्टेंस देखा गया, वो प्रॉपर नहीं था, तो उस वजह से क्या हुआ, जो ये वर्टिकल स्टील है ये आउट हो गया, और इसको बाद में क्या किया गया, जॉगल मारी गई, और सब सरिये में जॉगल प्रोवाइड की गई है। तो ये एक्सेप्टेबल तो नहीं होती है, लेकिन अगर आप प्रॉपर से जॉगल प्रोवाइड करोगे, गलती तो हो जाती है, लेकिन उसको गलती को सुधारने का सही तरीका क्या है, आपको प्रॉपर से जॉगल प्रोवाइड करनी है। जैसे यहाँ देखो ये जो जॉगल प्रोवाइड की गई है ये थोड़ी गलत है, 1:6 के हिसाब से आपको जॉगल प्रोवाइड करनी होती है। अगर हम एक 10 mm इस तरफ जा रहे हैं तो 60 mm हमारी हाइट के हिसाब से हमें जॉगल मोड़ना होता है, तो ये तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको आपको पहले ही सही कर देना है। जब भी आप स्लैब कास्टिंग करो तो उसी टाइम आपको यहाँ जो मास्टरिंग होती है वो प्रोवाइड कर देनी है। एक ये गलती हो गई। दूसरी गलती यहाँ की क्या की गई है, ये स्टार्टर प्रोवाइड किया गया, इसको फिल किया गया, लेकिन इसमें शेयर की नहीं डाली है, इसमें प्रॉपर शेयर की आनी चाहिए थी, या तो आपका जो स्टार्टर का अपर फेस है उसको प्रॉपर से रफ कर देना है, क्योंकि जब ये कॉलम कास्ट होगा तो यहाँ पे एक जॉइंट बनेगा और वो प्रॉपर जॉइंट नहीं बनेगा, उसमें थोड़ा गैप रहेगा, जब मतलब कंक्रीट करेंगे इसमें जो हमारा कॉलम कास्ट होगा तो उसमें गैप रहेगा, तो वो जब भी लोड आता है सबसे ज़्यादा स्ट्रेस कहाँ पड़ता है, 1 मीटर के एरिया में, और फेलियर होने के चांसेस क्या होते हैं, 1 मीटर के एरिया में, स्लैब से हम 1 मीटर पकड़ के चलते हैं, तो अगर वहीं पे कुछ गड़बड़ हुई तो कॉलम फेल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसमें आपको करना क्या होता है, इसमें आपको प्रॉपर शेयर की प्रोवाइड करवानी होती है, शेयर की क्या हो गई, इसमें मतलब बीच में आपको होल रख देना है 150 by 100 mm का डेप्थ, या आपको प्रॉपर से की शेयर की उसमें प्रोवाइड करवा देनी है, तो ये चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये दो मिस्टेक आपको दिखा दी मैंने जो की गई हैं, तो इनको जब भी आपको कंस्ट्रक्शन पे साइट पे काम करना है तो प्रॉपर वैसे ये चीज़ें ध्यान रख के आपको काम करना है। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ज़रूर दबा लो। थैंक यू गाइस।